हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ टी टाइम की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। इस रेसिपी को आप कभी भी किसी भी टाइम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये रेसिपी सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटे बाउल से स्प्राउटेड चने लिए हैं, एक हरी मिर्च ली है, तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं और इसे बहुत ही बारीक काटा है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है यहाँ पर मैंने, और एक प्याज ली है जिसे मैंने बारीक काटा है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम चाट मसाला लिया है और नमक स्वाद के अनुसार लिया है। सबसे पहले गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं या फिर फ्राई पैन। कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है और कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें मैं एक चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ। यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है तो सबसे पहले इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ जो बारीक करके डाल रखी है हमने। हल्का सा इसे पकने देंगे, जो हरी मिर्च का फ्लेवर है वो तेल में आ जाएगा इस तरीके से। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ और प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। लगातार चलाते रहेंगे प्याज को, नहीं तो जल जाएंगे प्याज हमारे। देखिए प्याज हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। प्याज को ज्यादा नहीं पकाना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो अब इसमें मैं चने डाल दे रही हूँ। तो ये चने हमने लिए हैं स्प्राउटेड, ये डाल देते हैं इसमें, मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक रही हूं, बिल्कुल गैस के फ्लेम को स्लो करके। तो इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। यहां पर मैं इसे ढक दे रही हूं। 2 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटा लेते हैं और इसे मिला लेंगे। इसमें जो हमने नमक लिया है वो डाल देंगे, साथ में चाट मसाला, और इसे भी मिला लेंगे। और मिलाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक रही हूं ताकि इसमें जो स्टीम है, स्टीम से चने हमारे अच्छे से पक जाएं। और गैस को बिल्कुल बंद कर देना है। कढ़ाई को ढके हुए 2 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटा लेते हैं और चने हमारे अच्छे से पक गए हैं। और इसमें जो मैंने नमक और चाट मसाला डाला है वो अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। और अगर आप नींबू डालना चाहें तो इस यहाँ पर आके आप नींबू डाल सकते हैं, अगर आपको नींबू पसंद है तो। मैं यहाँ पर नींबू का यूज नहीं कर रही हूँ। अब इसमें जो हमने हरा धनिया रखा था वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा टी टाइम स्नैक्स तैयार हो गया। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं बच्चों के या किसी के भी। बहुत ही टेस्टी और साथ में हेल्दी भी है। तो ये हमारा स्प्राउटेड चने तैयार हो चुके हैं। मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा टी टाइम स्नैक्स तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।